हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम वापस से खेलने वाले हैं कार फोर सेल। एंड गाइस आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी रेयर ड्रैग रेस सीरीज को। एंड आप लोग ने लास्ट वीडियो में इतने ज्यादा चैलेंजेस दे दिए, मैं क्या ही बताऊं। तो आज हम कुछ चैलेंज करने का भी ट्राई करने वाले हैं। एंड आज मैं तुम लोगों को कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस भी दिखाऊंगा जो कि तुम लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। एंड गाइस और भी बहुत सारे सरप्राइज है मेरे पास तुम लोगों के लिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो गाइस हम आ चुके हैं गेम में। एंड आज हम वापस मल्टीप्लेयर में जाने वाले हैं। एंड आज हम वापस से पार्कोर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज यहां पर कोई भी लॉबी नहीं दिख रही है, मुझे पता नहीं क्यों, बट यहां पर अपन वेट क्विक ज्वाइन क्या होता है। वेट, मैंने क्विक ज्वाइन करा एंड ओके आज मैं गाइस, अरे भाई इतनी सारी गाड़ी रिवील हो गई, तो देख सकते हो बहुत ज्यादा कार है। तो यहाँ पर एक निशान GTR है, यहाँ पर एक निशान GTR है, यहाँ पर एक निशान GTR है, यहाँ पर एक निशान GTR है। भाई चार निशान GTR हो गई, और क्या चाहिए। और ये सब छोटी मोटी कार है, बट ठीक है गाइस आज हम निशान GTR निकालने वाले हैं, वो भी ग्रीन। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, हटाओ भाई यार। मेरे को वो मतलब वो वाला लॉबी खेलना है यार, मतलब पार्कोर वाली लॉबी खेलना है। ये क्या खिला रहे हो गाइस। एक काम करते हैं, अपनी लॉबी क्रिएट करते हैं भाई। ये लोग है ना भाई, कोई भी लॉबी में घुसा देते। तो एक काम करते हैं, 10 की बनाते हैं, नाम रख देते हैं फ्लेक्स। लास्ट टाइम मैं नाम नहीं रखा था, आज मैं नाम रखूंगा ना, लोग ज्वाइन करेंगे, आई होप कोई मारने ना आ जाए। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर पार्कोर करने वाले हैं। आज कौन सी कार निकालेगा इस, मेरा तो मैंने GTR निकालने का, बट मैं सोच रहा हूँ इतना GTR को नहीं निकालते। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं निकालता हूँ पोश को, लेट्स गो। तो आज हम पोश निकालते हैं एंड लेट्स गो। आज पार्कोर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं पार्कोर को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलते गाइस पार्कोर में, पार्कोर थोड़ा दूर है तो मैं मिलता हूँ सीधा पार्कोर की लोकेशन पे। ओ भाई रुक जा, ओ नहीं, ओ भाई ये क्या था। ओके तो गाइस हम पार्कोर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, उतर जाना है नीचे, प्लीज गिरना नहीं, प्लीज। नहीं, बच गया। तो ओके गाइस अभी अपने को पार्कोर आज कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्कोर। भाई डर लग रहा है आज, बहुत डर लग रहा है। ओके किसी ने ज्वाइन किया, इसकी बा ने ज्वाइन किया। लेट्स गो गाइस, पहली बंदी, पहला बंदा जो भी है वो, बट एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, लेट्स गो। तो यहाँ पर भाई मुझे आज पता नहीं क्यों सी फीलिंग आ रही है कि आज मैं बहुत गंदा गिरने वाला हूँ, बट आई होप मैं गिरूँ ना एंड आज मैं कंप्लीट कर लूँ इस पार्कोर को, क्योंकि 3 दिन हो गया है मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा। एंड मुझे जानना है कि एंड में ऐसा क्या मिलता है हमें, आई डोंट नो मिलता भी होगा या नहीं, बट पता नहीं भाई मुझे कंप्लीट करना है एक विनर के तौर पर। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर एक गड्ढा आता है बीच में, आई होप मैं गड्ढे में गिरना चाहूँ, प्लीज नहीं गिरने, प्लीज। ओह बच गया भाई, मैं तो ना स्लो पे लेके जा रहा था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर आराम से। वो भाई अटक गया, अटक, मेरी गलती नहीं थी, अगर मैं गिरता मेरी गलती नहीं होती गाइस, वो बहुत गंदा अटका था मैं। यही होता है भाई मल्टीप्लेयर में अटक जाते हैं हम लोग। अरे नहीं भाई, अभी मैं सीधा लॉन्च हो जाता। ओके बच गया गाइस। तो अभी अपने को भाई बहुत डर लग रहा है आज, क्यों डर लग रहा है मुझे, कल तो नहीं लग रहा था भाई, आराम से जाएंगे। अरे ये पतला रास्ता है बहुत, अरे बहुत ही मोटी गाड़ी है मेरी भाई, आराम से, आराम से लेट्स गो ब्रो, इजी है, बहुत इजी है। हाँ कल मैं ये सोच रहा था बहुत इजी है, तो हो जा रहा था। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी है, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गिर जाऊँगा, तभी मेरे को डर लग रहा है। एक काम करते हैं, ये बोलते हैं बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। ये जाली आई, अरे जाली में तो बचपन में खेलता था मैं, बहुत इजी है गाइस, डरने की बात। भाई कल मैं यहाँ से गिरा था गाइस, बहुत डर लग रहा है मुझे आज, कल यहीं से गिरा था मैं भाई, पता नहीं कल यहाँ से कैसे गिर गया था यार मैं। कौन नूब गिरा रहेगा भाई यहाँ से कल भाई, यार कौन पता नहीं नूब लोग। नहीं, डेजा वो नहीं, आज नहीं। ओ भाई रास्ता क्या है ये, ओ भाई ये क्या रास्ता है गाइस, ओ माय गॉड, ओ ओ नहीं, आई थिंक गाइस नॉर्थ की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक लेट्स गो। ओ भाई बहुत करीब हूँ गाइस, मैं जीत के बहुत करीब हूँ भाई, जीत। ओ भाई उधर गैप था आई थिंक, रुको क्या था उधर, नहीं गैप नहीं था, बहुत पतला रास्ता है, मैं किधर गैप देख रहा हूँ यार। ओके तो यहाँ पे सोडा कैन पर आ चुका हूँ, आई थिंक नॉस गाइस, नॉस की जरूरत पड़ने वाली है, नहीं चढ़ रही है भाई, क्या है ये भाई, चढ़ क्यों नहीं रही, ओके चढ़ गई, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर एक और एक जाली है, जाली को दे दूंगा मैं गाली, नहीं मजाक कर रहा मैं बच्चा हूँ। एक काम करते गाइस लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट अपन, भाई किधर जाना है, किधर है, बट ओके भाई कंप्लीट करते हैं इसको। भाई ये गद्दा है क्या, ये इतना सॉफ्ट क्यों है ये, अरे यार चढ़ जा, नॉस देना पड़ेगा। वो अटक गई, नो भाई बच गया, अटकना नहीं है, जो करना है कर लो, अटकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से हम इनविजिबल जाली पर आ चुके हैं एंड लेट्स गो, अभी अपन राइट जाएंगे
एंड यहाँ पर अपने को बहुत ही पतला रास्ता चूज करना है, मैं लेफ्ट ही करूंगा ऑब्वियसली ब्रो। मतलब राइट को अगर आप लोग राइट की तरह सोचोगे ना, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि राइट हमेशा राइट होता है, बट राइट हमेशा राइट नहीं होता है, तो इसलिए लेफ्ट भी चूज करना चाहिए। और भाई टर्न कैसे करूंगा मैं? आई थिंक गाइस एक प्लान है मेरे पास, भाई पिसल रहा हूँ, प्लान तो बताने दो मुझे, पिसल रहा हूँ। ब्रेक का ऑप्शन का है, हैंड ब्रेक का लगता है, पीछे खाई है मेरे भाई। गाइस मैं क्या सोच रहा था कि मैं राइट जाऊँ यहाँ से, बट गाइस लेफ्ट ही जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कैसे जाऊँगा, प्लीज गिरना नहीं, बहुत ऊपर आके नहीं गिरते हैं। राइट जाना है, राइट मित्रों। ओ भाई इतना ऊपर पहुंच के कौन गिरता है भाई? छोड़ो गाइस एक स्लाइड ले लेते हैं, भाई बहुत टाइम हो गया स्लाइड नहीं लिया यार, मुझे पता ही था यार मैं ना भाई इतना डर डर के खेलूंगा ना यही होगा भाई। कोई बात नहीं गाइस एक स्लाइड ले लेते हैं फिर हम गेम की तरफ चलेंगे। एंड यहाँ पर अपन यार देख स्लाइड भी नहीं ले पा रहा हूँ क्या मैं? ये बॉल को तोड़ना है मुझे, ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी होता है तोड़ दिया मैंने। लेट्स गो भाई, एग्जिट करते हैं भाई, गाइस गेम की तरफ चलते, लेट्स गो। ओके तो वेलकम बैक गाइस, एंड आप लोग मेरा कलेक्शन देख सकते हो कार फॉर सेल में, एंड यहाँ पर है अपनी पहले पॉश GTR मस्टैंग GTR, देख सकते हो ऑलरेडी दो GTR आ चुकी है। एंड यहाँ पर है अपने पास एक डॉज वाइपर, एंड फिर से एक GTR जो कि मेरी पहली GTR थी, बहुत प्यार करता हूँ मैं इसे, इसलिए मेरे दिल का कलर इसको मैंने दे दिया। अब यहाँ पर एक अपने पास Lamborghini भी है, एंड यहाँ पर थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कार से है, तो यहाँ पर अपने पास एक Supra है जिसको मैंने अभी तक मॉडिफाई नहीं करा हूँ। तो बेसिकली ये वो सेक्शन है जहाँ पर मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, मतलब इन सभी कार्स को मुझे मॉडिफाई करना है। एंड ये हमारे पास एक Audi जो कि मुझे आज मिली है, एंड ये ऑडी क्या नाम था पूरा मैं नाम भूल जाता हूँ ना, ODRR, ठीक है ODRR है। एंड यहाँ पर एक GTR वापस से जो कि हमको कल लास्ट वीडियो में भाई ये रात हो जाती है ना, हाँ तो मैं बोल रहा था लास्ट वीडियो के लास्ट ऑक्शन में मिली थी मुझे, बहुत ही लक्की कार रही है। एंड सामने दो आप लोग को यहाँ पर Lamborghini दिख रही होगी जो कि मैं होपफुली बेच दूंगा, पता नहीं क्या करना है उनका। बट गाइस आज की वीडियो में हम बहुत सारे सीक्रेट ग्लिचेस को जानेंगे एंड बहुत जगह जाने वाले। पहले डे चेंज करते यार, ये रात हो जाती है ना दिमाग खराब हो जाता है, कंटेनर चलते डे चेंज करते। एंड मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, लेट्स गो सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन पर। वेल तो गाइस आज कार मार्केट खुला है, एक बार कार मार्केट होकर आते अपने पास बहुत टाइम है, आराम से होकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार मार्केट पर आ चुका हूँ, एंड वेट नो ब्रो, हाउ इज दैट इवन ब्रो, व्हाट द है ब्रो, व्हाट ब्रो ये कैसे पॉसिबल, व्हाट ब्रो, ओ भाई एक और एक, ओ ब्रो मेरा गेम ग्लिच हो गया गाइस। यहाँ पर है एक माजदा, ठीक है एक और एक माजदा, ठीक है एक डॉज वाइप, ओ बाप रे बाप गाइस, ओ भाई ये क्या हो गया मेरे गेम को भाई, सब रेयर कार यहाँ पर क्या फ्री में भाई, ये रेयर कार को कौन भी, अबे भाई रेयर भाई मैं क्या बोलूँ भाई, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये पता नहीं ये चीज़ कैसे पॉसिबल है गाइस, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं एक साल से कार फॉर सेल को खेल रहा हूँ, ये क्या है यार, ये तो रेयर कार को तो ये लोग रोड पे बेच रहे हैं भाई, ये क्या है भाई, गाइस नहीं पता गाइस, देख सकते डॉज वाइपर है भाई, ये नहीं पता मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई थिंक मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे अगर मैं सभी कार को बाय करना चाहूँगा तो, ये 800,000 भाई फ़र्क नहीं पड़ता डॉज वाइपर है। एक काम करते हैं भाई, ये सब भाई मैं बाय करने से पहले ये सोच रहा हूँ भाई, ये क्या भाई डॉज वाइपर रोड पे क्यों बिक रही है, और ये अपनी माजदा, अरे भाई ये माजदा ही है ना भाई, माजदा ही है। गाइस किसने चैलेंज दिया था मुझे 10 GTR 2 Mazda, किसने दिया था 2 Dodge Viper का चैलेंज, किसने दिया था 1 Dodge Viper का चैलेंज, किसने दिया था भाई, सब चैलेंज कंप्लीट हो रहे हैं, आ जाओ भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले उन बाय कर लेते हैं एक डॉज वाइपर जो कि पता नहीं भाई मार्केट, भाई कार मार्केट में कब से मिल रही है भाई, एक स्क्रीनशॉट ले दो भाई, मैं मिस कर दूंगा इसको भाई, एक स्क्रीनशॉट ले दो गाइस, मुझे कमेंट से बताओ ये ग्लिच है या फिर ये ऐसा ही होता है भाई, मुझे नहीं पता भाई, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं करा, 800,000 की मिल रही है डॉज वाइपर ले लेते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं भाई, ये सब कार को मैं उधर समझता था ऑक्शन में मिलेगी, बट ये तो भाई
इधर तो कंप्लीट हो गए मेरे पूरे ड्रीम्स गेम के भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको गुजराती माइंड से लेंगे अपन इस कार को, ठीक है। गुजराती लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले सात बोलते हैं, फिर हटाते हैं, फिर अपन सिक्स बोलते हैं, ठीक है, सिक्स बोलते हैं, फिर फाइव डालते हैं आगे, फिर ठीक है अपन यहाँ पर इतना डालते हैं एंड कार को लेते हैं। वेट, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो 65,000 में गुजराती माइंड वाला बंदा यही करेगा, 65 बोलेगा। 88 लाख की अगर गाड़ी है तो 65 बोलेगा गुजराती बंदा है तो, ठीक है, अभी ये दे देगा। एंड देखो दे दिया, देखो दे दिया, क्या बोला तुम्हारा भाई, गुजराती है दिल से, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को डॉज वाइपर, एक और एक डॉज वाइपर मिल गई, वो भी कार मार्केट से। इतना ज़्यादा भाई, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं ऑक्शन अभी क्यों जाऊँ भाई, अभी मैं ऑक्शन क्यों जाऊँ, मेरे पास सभी कार आ चुकी है गाइस। क्या बचा है अभी, क्या बचा है, गेम का मोटिव खत्म हो रहा है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। अब बस चैलेंजेस बचे, गेम का मोटिव खत्म हो रहा है। यहाँ पर ये 4 लाख की भाई मेरी पहली माजदा है, ये मेरी पहली माजदा। मैं एक गेम को खेलता था एक मोटिव से कि भाई मुझे माजदा मिलेगी, माजदा मिलेगी, माजदा मिलेगी, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी माजदा नहीं थी, ये पहली माजदा है। चलो बाय करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, 4 लाख की मिल रही है, इतना सस्ती, ठीक है, बाय कर लेते हैं। यहाँ पर ये अपना सस्ती में मिल रही है, 2 लाख में ले लेते हैं माजदा को, माजदा इतनी सस्ती क्यों मिल रही है, बट ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, माजदा बाय कर लेते हैं एंड लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, 2 लाख में बाय करते हैं एंड आई थिंक मिल जाएगी, दिस ऑफर इज नॉट सेल। अबे यार ये ना 3 लाख में ले ले यार, 3 लाख में दे दे, चल 3 लाख, अरे बहुत पैसा, अरे भाई मेरे पास 12 लाख बचाएगा, सिर्फ 12 लाख, एंड ये बंदी देने के लिए रेडी नहीं है, अरे दे देना। ओके 4 लाख बोल देते यार, मुझे पता नहीं ये लोग इतना भाव क्यों खाते यार, क्या है भाई इतना भाव क्यों खाना है, चल दे दे 4 लाख में, ठीक है भाई, ले ले पैसा ले ले भाई। मेरे पास लिटरली 8 लाख रुपया बचा है भाई, मैं गरीब हो चुका हूँ गाइस इस गेम में। तो यहाँ पर अपने पास एक माजदा आ चुकी है भाई, मैं सब माजदा बाय कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोड पर आ जाऊँ, गरीब बन जाओ, भिखारी बन जाओ, मुझे बाय करना है भाई, फ्री में मिल रही है माजदा, कौन नहीं बाय करेगा। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे 5 लाख की मिल रही है, 4 लाख में दे दे मैंने अभी एक तेरे बाजू में से 4 लाख में एक गाड़ी खरीदा, वो भी माजदा। तो लेट्स गो गाइस, प्लीज़ दे दे मेरी बहन, 4 लाख में उसने दी थी मुझे भाई। ये देखो यार, ये लोग के नखरे बहुत रहते ना, एक काम कर तू, कितने में, 5 लाख में दे दे, चल भाई तेरे बाजू में से मैंने 4 लाख की माजदा खरीदा, तेरे को शर्म आती है सरी। ओके तो 5 लाख में आई थिंक मैंने खरीद लिया। ओके भाई अभी मैं रोड पर सही में आ चुका हूँ, मेरे जेब में 3 लाख रुपया बचा है, पता नहीं क्या करना है उन पैसों का। बट गाइस यहाँ पर गाड़ी को टो करते फटाफट भाई, मैं जाऊँगा कैसे, आई थिंक मेरे को गाड़ी लेकर ही जाना पड़ेगा। मैं अपनी माजदा, जिंदगी की पहली माजदा चलाने वाला हूँ, लेट्स गो गाइस, देखते क्या एक्सपीरियंस। हाँ, सीट तो नरम है, थोड़ा पाद वाद के गर्म कर दूंगा, वो बात अलग है। बट गाइस इंटीरियर की बात करते हैं, तो लेट्स गो इंटीरियर पर आते हैं। ओ माजदा का इंटीरियर बुरा नहीं है, देख सकते हो प्रॉपर इंटीरियर है भाई। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक फील लेते हैं। ओए हट जा साइड, ओए साइड हटो, मित्रों, लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर भाई माजदा पता नहीं फ्री में क्यों मिल रही है, फ्री में नहीं मतलब भाई रोड पे मिल रही है, ऑक्शन की गाड़ी यहाँ पर रोड पे मिल रही है भाई, ये क्या हो चुका है गेम को भाई। आई थिंक गाइस मैंने गेम क्रैक कर लिया, मैं आज कार मार्केट पे जाने भी नहीं वाला था, बट पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा दिमाग आया, मैं कार मार्केट पे आ गया। वैसे मैं जाता बहुत कम हूँ कार मार्केट भाई। यहाँ पर रोडों पे माजदा, वो देखो भाई रोड पे माजदा खड़ी है भाई, ये क्या हो गया भाई गेम को गाइस। ब्रो मेरी गेम में भाई कुछ तो ग्लिच हुआ है, क्योंकि गाइस ये सब कार्स बहुत रेयर कार्स है ब्रो। गाइस तुम लोग को बताना होगा भाई ये ग्लिच कैसे पॉसिबल हुआ भाई, भाई क्या ग्लिच था, मैंने कुछ करा भी नहीं, हैक वैक भी नहीं लगाया, मैं कसम खा रहा हूँ भाई ये क्या। ओके तो गाइस आज हम सबसे पहले भाई माजदा को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि मेरी पहली माजदा है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो लेट्स गो कार में बैठ जाते हैं भाई। यार मुझे लगा तो ऑप्शन दे मिलेगी, बट कोई बात नहीं यार, मिल गई तो मिल गई, अभी खुश रहता है, ज़्यादा बोलते नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मैं रिपेयर करवाना चाहूँगा, आई थिंक ये डैमेज है थोड़ी सी, एक बार चेक कर लेते हैं। डैमेज नहीं है, बहुत ही खुशी की बात है। अभी सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं भाई, माजदा को मॉडिफाई करने में एक अलग मज़ा आएगा। तो लेट्स गो माजदा को मॉडिफाई करते हैं एंड बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, एक रेसिंग किट डलवाएंगे ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे टर्बो भी डलवा देंगे, नॉस आई थिंक ऑलरेडी डला हुआ है। सस्पेंशन में आते हैं, सस्पेंशन इतने बुरे नहीं लग रहे मुझे, ठीक ठाक लग रहे, टायर भी अच्छे लग रहे मुझे। एक काम करते हैं लाइट पर चलते हैं, लाइट को रेड करवाते हैं, आप लोग को पता ही है। यहाँ पर प्लेट पर आते हैं, प्लेट कैलिफोर्निया की, एकदम यहाँ पर फ्लैक्स लिख देंगे, बूम बाम बिम, ठीक है। यहाँ पर अरे यार कैप्स में लिखना यार, लेट्स गो फ्लैक्स लिख देते हैं एंड लेट्स अपडेट दिस। एंड व्हील पर आते हैं, व्हील आई थिंक ये बेटर ही लग रहे, मतलब इतने बुरे नहीं लग रहे व्हील आप लोग अगर देखोगे, बट मैं फिर भी ये लगवाने का, हाँ ये सही लग रहे वैसे देखा जाए ना, माजदा नहीं नहीं ये बड़े लग रहे गाइस, ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ ये वाले व्हील, भाई ये भी अच्छे लग रहे व्हील। अरे पता नहीं गाइस मुझे ये व्हील कितने पसंद आते हैं,
ये वाले व्हील, हाँ ये वाले व्हील मुझे अच्छा लगते हैं यार, ये व्हील बहुत अच्छे लगते हैं। एक काम करते गाइस, एक काम करते यही व्हील लगवा देते, ज़्यादा बात नहीं करते, जो पसंद है ले लो लाइफ में भाई, यही सिंपल है। देख सकते हो ये व्हील लगवा दिया मैंने, अभी कलर की बारी, मॉडिफिकेशन बहुत ही कम्प्लीटली भाई क्या ही लग रहा है, टायर देख रहे हो क्या ही लग रहे हैं। एक काम करते हैं मॉडिफिकेशन करवाते हैं, एंड यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, भाग गया मैं कुछ बोलने वाला था उसको, भाग गया, डरता है डरपोक है साला। तो यहाँ पर एक काम करते हैं अभी अपुन इसको मॉडिफाई, भाई मैं तुम लोग को बताना भी भूल गया यार, अपुन आज एक ग्लिच चेक कर, एक नहीं वैसे दो तीन ग्लिच चेक करने वाले गेम के, तो पॉलिश करवा, अरे कलर तो करवा दो मियाँ, कलर करवाते यहाँ पर। एंड भाई यार क्या ही लग रही हो यार, पता नहीं भाई, अभी यार वेट अभी ये क्या ग्लिच गाइज, कुछ ग्लिच है हुआ है भाई, देख सकते हो मेरा क्या बोलते हैं, स्पॉइलर ही बोलते भाई, मैं भी डम हो चुका हूँ। हाँ स्पॉइलर देख सकते हो गाइज, स्पॉइलर में कलर चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह हो रहा है भाई। ये कुछ तो ग्लिच के कारण मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर एक मादा, पता नहीं ये क्या ग्लिच था, ये ग्लिच के वजह से मिल चुकी है अपने को एक मादा। भाई मैं खुश हूँ या दुख हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, बट मिल चुकी है अपनी मादा को, येलो कलर करवाएंगे बिकॉज माय फेवरेट कलर, यू नो आई एम सेइंग। तो यहाँ पर पॉलिश में आते हैं, मेटेलिक को थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं, नहीं ये वो गोल्डन बन जाएगी, मेटेलिक बढ़ाऊंगा ना गोल्डन बन जाएगी, देखो गोल्डन बन जाएगी। गाड़ी कौन चला रहा है बैकग्राउंड में, पता नहीं कौन चला रहा है, एक काम करते हैं पूरा लो कर देते हैं मेटेलिक, भाई गाड़ी मत चलाओ बैकग्राउंड में भाई, कौन है वो। ओके काम करते हैं पॉलिश करवा देते हैं इसको, बूम बाम बिम लेट्स गो। तो यहाँ पर अपनी कार रेडी हो चुकी है, पहली माज़दा तुम्हारे भाई की, लेट्स गो भाई, इतना तो बनता था। चल भाई पीली टिकी, अरे यार स्पॉइलर का थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट एक तरह से स्पॉइलर अच्छा भी लग रहा है, व्हाइट कलर का स्पॉइलर वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है भाई अभी जो है वो है। एंड भाई यार इतनी कांस देख सकते हो, डॉज वाइपर ऐसी पड़ी है, ऐसी रेरेश कार ऐसी पड़ी है गेम की। एंड यहाँ पर भाई देखो ये इसके भी स्पॉइलर में कुछ ग्लिच हुआ है, इसके भी वाइट है। एंड यहाँ पर और भी रेयर कार है, निसान GTR भी आप लोग को अंदर दिख रही होगी, डॉज वाइपर दिख रही होगी आपको, पीछे मास्ता दिख रही होगी, तीन कार तो ऐसी कूड़े में पड़ी है भाई मेरे पास। भाई इतना कब से अमीर हो गया मैं गेम में, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं अमीर हो गया। तो हाँ गाइस सबसे पहले ड्रैग रेस पे चलते हैं आज। एंड ओ ये गलत ही भाग रही है ब्रो, मैंने अभी नोटिस किया बहुत। वेट ये क्या है पीछे, ये शेडो का कुछ ग्लिच हुआ है ब्रो गाइस, भाई पता नहीं कुछ ग्लिच है गाइस ये कार में, देख सकते हो शेडो ग्लिच हो चुकी है इसकी, आप लोग देख पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट शेडो इसकी ग्लिच हो चुकी है। एंड ये ग्लिच से मुझे मिल चुकी है भाई, ये हो ही नहीं सकता यार मार्केट पे, ये सब कार्स पॉसिबल ही नहीं है। बट एक काम करते हैं डे चेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मैं तुम लोगों को सरप्राइजेस दिखाऊंगा, सरप्राइजेस से मेरा मतलब मैं तुम लोगों को गाइस ग्लिचेस दिखाऊंगा गेम के जो कि बहुत खतरनाक है। तो फटाफट चलते हैं डे चेंज करते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, एंड अंधेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डे चेंज करते हैं, आज का दिन वॉज समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बस इतना बोलूंगा, तो लेट्स गो सो जाते हैं। एंड भाई यहाँ पर मैंने 15,50,000 रुपया मैंने बस ऐसे ही उड़ा दिया, लाइक तुम लोग सोच सकते हो भाई आज का दिन कितना एपिक था। तो यहाँ पर डे चेंज करते हैं, आई होप मेरी कार गायब ना हुई हो, एंड नहीं हुई है आज वैसे ऑक्शन है आप लोग देख सकते हो 12 बजे, बट एक काम करते हैं अपने ऑक्शन में जाने का फ़ायदा क्या है, आप कुछ मोटिव ही नहीं रहा भाई मेरे को जो चाहिए था मिल गया ब्रो, मोटिव ही नहीं रहा ऑक्शन में जाने का। ओके तो वैसे भी हम जाएंगे टेंशन मतलब जाएंगे, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं जाएंगे, जाएंगे अगर टाइम मिला तो ज़रूर जाएंगे। अब ये बात आ गई ना, अब भाई ये बात आ गई, अब टाइम मिलेगा तो जाएंगे, पहले तो मैं भाई पागलों की तरह जाता था क्योंकि मेरे पास माज़दा नहीं थी पहले, बट अभी माज़दा भी आ चुकी है, एंड अभी सभी रेयर कार आ चुकी है। एंड यहाँ पर मैं ड्रैग रेस पर आया था भाई, ये कौन सी कार है नैनो टाइप की, छोड़ो भाई यहाँ पर एक ट्रक भी है। एक काम करते गाइस, मैं तुम लोगों को वो ग्लिचेस दिखा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सरप्राइज की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो वो ग्लिचेस है, सबसे पहले अपने को रेड वैली में ग्लिच है, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोगों के पास कोई ग्लिच है तो मुझे कमेंट से बताना ताकि मैं वीडियो में दिखा के सबको बता पाऊँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, माज़दा क्या ही लग रही है भाई पोडियम पे। तो एक काम करते हैं हम रेड वैली चलते हैं, वहाँ पर एक खतरनाक ग्लिच है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं गेम में, एंड यहाँ पर ये रास्ता कहाँ जाता है भाई, कहीं ना कहीं तो जाता होगा। एक काम करते वो रास्ता लिफ्ट पे जाता है, मुझे याद आ गया। वैसे तुम लोगों को ग्लिच बताना है ना, रुको तुम लोगों को वो खतरनाक ग्लिच बताता हूँ भाई। वो ग्लिच देखकर मैं भी शॉक हो गया भाई, लाइक मैं ऐसा चीज विटनेस कर रहा था ना भाई, मैं तुम लोगों को बता नहीं पाऊंगा, तुम लोगों को चल कर बताता हूँ। तो ठीक है ये रोड लेना है मुझे, एंड ये रोड लेने के बाद हमें एक्चुअल में कहाँ जाना था, आई थिंक यहाँ जाना था ना, झाड़ों के बीच से, एंड यहाँ से अंधेरी रात में दिया तेरे तो एक काम करते गाइस, कहाँ जाना था मैं भूल गया,
आई थिंक यहीं जाना था ना, हाँ यहीं जाना था। ये रहा वो सीक्रेट रोड, मैं रोड नहीं बता रहा, रोड नहीं बता रहा, रोड के अलावा देख सकते हो हम एक वॉइड में जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अब वॉइड में जाएंगे, लेट्स गो, बूझ जाते हैं वॉइड में चलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, वॉइड में नहीं जा सकते, एक इनविजिबल दीवार है जो हमको रोकती है, पता नहीं भाई क्यों नहीं जाने देती है, बट तुम लोग को दिखाता हूँ अभी वॉइड लगता कैसे, तुम लोग को दिखाता हूँ साइड एंगल से दिखाता हूँ, अभी तुम लोग को समझेगा नहीं। रुक जा कार, रुक जा रुक जा, तो कैमरा चेंज करूँ अगर मैं, बोम्बास्टिक भाई मेरी कार को देखो यार, और यहाँ पर वॉइड को पहले देख लो भाई, लिटरली ये मैप का एंड है, लाइक लिटरली मैप का एंड है। अगर हम इस मोड में एग्जिट कर पाते ना भाई, मैं लिटरली यहाँ पर एग्जिट करता और नीचे जाकर देखता क्या होता, वैसे मैं जिंदा रहता या नहीं रहता पता नहीं, बट मैं ये कहाँ फंस गया हूँ गाइस, पता नहीं गाइस, यही बताने के लिए लाया था मैं। एक वॉइड जैसा एरिया है यहाँ पर, बहुत ही क्रेजी है, एंड लेट्स गो गाइस एग्जिट करते हैं। अभी एक और एक मैं तुम लोग को बताऊंगा, एक और एक ग्लिच है मेरे पास, वो भी तुम लोग को बताऊंगा, तो लेट्स गो गेम में चलते हैं। एंड गाइस मेरे को माजदा मिली, पता नहीं मुझे कैसा फील करना चाहिए भाई, मुझे लिटरली नहीं पता भाई कैसा फील करूं भाई, मुझे माजदा मिल गई, लोग खुश होंगे। ओके यहां पर शेडो फिक्स हो गई, देख सकते हो शेडो फिक्स हो चुकी है, आई थिंक धीरे धीरे स्पॉइलर भी फिक्स हो जाए, आई होप सो। तो यहाँ पर एक ट्री का ग्लिच है जो कि मैंने पता नहीं कैसे देखा था, यहाँ पर मैं ऐसी कार को पार्क कर रहा था, फिर एक मैंने ऐसा टर्न लिया था ना यहाँ पर लॉन्ग सा, तो मैंने देखा भाई ये वाला ट्री, मेरे सामने जो ट्री आप लोग देख रहे हो ये वाला ट्री हवा में, आप लोग देख सकते हो, दिखा भाई किस किस को दिखा वो हवा में, भाई देखो गाइस वो ट्री लिटरली हवा में, मैं एक बार ये कैमरा चेंज करूँ, देखो 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 ये ट्री, ये मेरे सामने वाला ट्री हवा में, लिटरली हवा में, माँ कसम ब्रो डर लगता है मुझे कभी कभार, देख सकते हो भाई हवा में तैर रहा है वो। ओके गाइस यही ग्लिच था मेरे पास, मेरे पास दो ही ग्लिच थे जो कि मैं, मुझे ऐसा लगा तुम लोग को दिखाना चाहिए, एंड हाँ दो ग्लिच के अलावा और कुछ था नहीं मेरे पास। तो गाइस अगर आप लोग के पास भी ग्लिच है तो मुझे कमेंट से बताना, एंड इतनी ज़्यादा कार्स हो गई है गाइस, ये सब कार्स का करना क्या है भाई, इतनी कार्स देख कर भाई मैं शौक हो गया हूँ भाई भाई भाई, ये सब एक्स्ट्रा कार्स है। वैसे मेरे पास ऑडी नहीं है एक भी, तो मैं शायद से आज ऑडी को मॉडिफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ऑडी नहीं है, देखते देखते वो भी देखेंगे हम लोग, एंड एक काम करते हैं कर लेते मॉडिफाई, हाँ कर लेते, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ भाई, मैं पता नहीं क्यों सोचता हूँ, एंड मुझे भाई ये भी मॉडिफाई करना है अपना, यू नो लाइक क्या बोलते हैं, अरे यार ठोक मत अपनी कार्स को, तो हाँ मुझे मॉडिफाई करना है अपना ये भाई, ये अपना शोरूम भी मॉडिफाई करना है, बिकॉज गाइस हम ना कार्स को अंदर डाल नहीं पाते फ्रंट से, तो मुझे ऐसा करना है कि एक तरफ से फ्रंट एंट्रेंस बनानी है वैसा रेड वाले डोर की तरह यहाँ से ऐसा, एंड एक तरफ से ऐसा यू नो पब्लिक एंट्रेंस, तो मुझे ऐसा करना है क्योंकि भाई मुझे हर बारी पीछे जाकर कार्स को यू नो डालना पड़ता है शोरूम के अंदर, बहुत गंदी चीज़ है वो, मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो हाँ गाइस मैं आज क्या करने वाला था, मैं भाई खुद ही भूल गया, हाँ गाइस अपन रेयर ड्रैग रेस करने वाले थे, उससे पहले रेयर ड्रैग रेस से पहले हमको यहाँ पर आज हमारी पहली ऑडी उसको मॉडिफाई करना है मुझे, तो लेट्स गो भाई। ये गली देख रहे हो क्या प्यारी गली है, ये लग्जरियस गली है, तो काम करते हैं आज हम ये ऑडी को निकालते हैं, ये निकलेगी कैसे भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई, मैं इसमें बैठ गया GTR में बैठ गया, बाहर निकलते हैं ऑडी में बैठना है, एक काम करते हैं इसको यहाँ से टो करवाते हैं, तो लेट्स गो गाइस, अरे भाई आ जाओ, तो लेट्स गो गाइस, ये मेरी पहली नहीं वैसे, बट हाँ शोरूम मतलब कलेक्शन की पहली होने वाली है, तो इस कलेक्शन में यही मिसिंग थी आई थिंक, बताना कमेंट्स में अब कौन सी कार कलेक्शन में मिसिंग है, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। एंड आप लोग इतने खतरनाक खतरनाक चैलेंज दे रहे हो, 10 GTR 25 GTR क्या मालूम कैसे कैसे चैलेंजेस दे रहे हो, एक बंदे ने भाई इतनी सारी यू नो कार लेने का चैलेंज दिया, एक बंदे ने क्या बोला पता नहीं, एक बंदे ने क्या बोला, एक बंदे ने क्या बोला, ठीक है यही हो रहा है कमेंट्स में। तो एक काम करते हैं तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सी कार अभी लेना बाकी है, ठीक है मैं वो कार ले लूँगा, मुझे लगता है मैंने सारी कार गेम की ले ली है टेक्निकली देखा जाए तो, मतलब रेयर कार सुपर कार में, ठीक है कोई ऐसी नल्ला वल्ला कार नहीं, मैं अच्छी कार्स की बात कर रहा हूँ, अच्छी कार की कैटेगरी में आई थिंक मैंने सभी कार ले ली है, अगर एक कार भी बचती है ना मुझे कमेंट से बचाना क्या भाई, मैं थोड़ी किधर मार रहा हूँ बचाना बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट से बताना मैं ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज अपनी इस कार को मॉडिफाई कर रहा हूँ ऑडी को, तो एकदम ही फास्ट करने वाले, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, इसमें नॉस अवेलेबल नहीं है पता नहीं क्यों, सस्पेंशन ठीक लग रहे हैं मुझे, लाइट्स आई थिंक रेड सही लगेंगे, और लाइट को भी करवा दिया, प्लेट पर आते प्लेट कैलिफोर्निया की, यहाँ पर अपना नाम लिख देते फ्लेक्स करके, एंड अपडेट करवाते व्हील पर आते, व्हील ऑब्वियसली इस कार में ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, एंड सस्पेंशन अगर मैं थोड़ा नीचे करना चाहूँ तो मैं फ्रंट से नीचे कर सकता हूँ, थोड़ा सा यू नो सुपर कार लुक देने के लिए, पीछे से थोड़े से उठे हुए रहेंगे, फ्रंट से थोड़े झुके हुए रहेंगे, तो ये थोड़ी सी सुपर कार वाइब आती है इससे, लैम्बोर्गिनी टाइप्स। तो यहाँ पर अपडेट करते हैं, आई डोंट नो कैसे लगेगी बट हाँ सही लग रही है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही है,
नहीं गंदी लग रही है, गंदी लग रही है यार मुझे ना, यार मुझे ना अलग ही वो है, रुक इसको पूरा ही नीचे कर देते हैं। हाँ भाई आ जा, ग्राउंड क्लियरेंस भाड़ में जाए, ठीक है ग्राउंड क्लियर है ब्रो। गाड़ी होगी, गाड़ी मुझे लगा ये क्या टायर है, वेट ये तरफ नहीं भाई, ये टायर का कुछ ग्लिच हुआ है भाई। मैंने अच्छे वाले टायर लगवाया था, ये वाले लगवाया था मैंने, लगवाया तो था भाई, क्या हो गया। ओके लग गए एंड हाँ सही लग गए, सही लग गए, सही लग गए। एक काम करते हैं अभी, इसको थोड़ी सी गंदी है ये, मैं सोच रहा हूँ, नहीं गंदी तो बाद में अपन करवा लेंगे सही। एक काम करते हैं इसको अपन पहले ये कर देते, कलर कर देते, कलर सोचना पड़ता है यार मेरे पास ना, यूनिक कलर के यू नो वो लिस्ट नहीं है मेरे पास। तो गाइस इसको पर्पल करवा रहा हूँ क्योंकि गाइस कलर के थोड़ा सा मेरे पास ऑप्शन कम बचे, तो पर्पल करवाना ही पड़ेगा। स्मूथनेस बढ़ा दूंगा, मेटेलिक नहीं बढ़ाऊंगा एंड पॉलिश करवा दूंगा। लेट्स गो, हमारी एक और एक कार रेडी हो चुकी है। आज मैंने दो कार मॉडिफाई कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसमें भी लगता है V8 इंजन लगा है, कितना वो इंजन है भाई, रुको 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 क्या है, V10 इंजन है भाई इस कार में, V10 इंजन है गाइस मुझे आज मालूम पड़ा। ओके तो गाइस एक काम करते हैं, इसको भी अपन पार्क कर देते यहीं पर एंड भाई हमारी एक और एक कार आ चुकी है अपने कलेक्शन में, लेट्स गो बॉयज। तो लेट्स गो, अपन इसको रख देते हैं यहाँ पर, अभी ये धुल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी सी अच्छी लगेगी। आ जा भाई काम कर। तो भाई कलेक्शन बढ़ते ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है भाई। एंड अभी इस कार को रुको रुको रुको, अभी अपन क्या करते हैं, अपने पास कितनी है, हाँ अपने पास है ठीक है। तो हाँ मेरे पास एक एक एक्स्ट्रा कार थे, मैं वही देख रहा था, अपने पास एक डॉज वेपर एक्स्ट्रा है, एक माजदा एक्स्ट्रा है, तो हाँ सही है सही है। आप लोग बताओ इन सब कार्स का करना क्या है, मैं तो ऑब्वियसली इनको मॉडिफाई करवाऊंगा एंड अपने कलेक्शन में रखूंगा, ज़रूर रखूंगा। अगर बेचना है तो बेच भी दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। अपने पास एक्स्ट्रा कार में जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है मैं कर सकता हूँ, मेन कार्स में नहीं करना है मुझे, मेन कार्स आर द लव वंस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डॉज वाइपर को भी खड़ा कर देते हैं एंड लेट्स कैरी बॉयज। यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा कार्स का कलेक्शन भी बन रहा है भाई, नॉर्मल कार का कलेक्शन भी बन रहा है, एक्स्ट्रा कार्स का कलेक्शन भी बन रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पर अपन अपनी माजा लेकर निकलते हैं एंड हाँ एक लास्ट दिन मैं ट्राई करूँगा ड्रैग रेस, रेयर ड्रैग रेस एक्चुअली, बट भाई कलेक्शन देखो ना एक बार भाई, मुझे लग ही नहीं रहा है भाई ये मेरा गेम है भाई, मुझे लग ही नहीं रहा है भाई। ओके तो गाइस अभी एक काम करते हैं, अभी एक लास्ट दिन मैं ट्राई करूंगा रेड ड्रैग रेस, अगर वर्क करता है तो ठीक है, वरना भाई भाड़ में जाए ठीक है। तो एक काम करते हैं अभी फटाफट से डे चेंज करते हैं एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट दिन पर एंड देखते रेयर ड्रैग रेस आज हो पाएगा या नहीं। ओके तो गाइस एक और एक ग्लिच बताता हूं भाई, आज मुझे इतने ग्लिच बताने के शौक चढ़ रहे हैं ना, आप लोग कमेंट से बताओ अगर आपके पास कुछ ग्लिच है तो। वैसे ये ग्लिच देखो, यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो आप लोग यहाँ से सो सकते हो, लाइक लिटरली आप लोग यहाँ से सो सकते हो एंड अगर मैं यहाँ से सोता हूँ तो मेरे पास एक बेनिफिट होगा कि मैं बाहर नहीं, बाहर ही स्पॉन हो जाऊंगा, लाइक मैं अंदर स्पॉन नहीं होऊंगा तो मुझे दरवाज़ा वरवाज़ा खोलने में टाइम वेस्ट ना करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैं नेक्स्ट दिन करता हूँ, मैं बाहर ही स्पॉन हो जाता हूँ, अब यहाँ से मैं इजीली कार निकालूंगा एंड मैं रफू चक्कर भाई, इतना क्रेजी ग्लिच है ना। टाइम मतलब थोड़ा तो सेव करेगा आपका, 1 या 2 सेकंड सेव करेगा अगर कोई स्पीड रन कर रहा है तो, मतलब हाँ। तो हाँ लेट्स गो गाइस, अभी अपन ड्रैग रेस करने मौत मैंने देख लिया था, मैंने भाई कंट्रोल मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, मैंने देख लिया था मेरी मौत, मैंने एक्सीडेंट वो प्रिडिक्ट कर लिया था दिमाग में एंड मैं इतना श्योर हो चुका था कि ये होकर रहेगा, मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, मैंने बोला अब तो होकर ही रहेगा। एक काम करते हैं, अपन ड्रैग रेस पे आ चुके हैं एंड रेयर ड्रैग, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप लोग देख कुछ नहीं कुछ नहीं। एक काम करते गाइस आज की वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले कार मार्केट जाना चाहूँगा, आज कार मार्केट खुला है, कार मार्केट में देखते हैं कि हमारे पहले वाले कार मार्केट की तरह आज भी रेयर कार्स आती है या नहीं। मुझे लगता है आज रेयर कार नहीं आएगी एंड अगर देखा जाए तो सुपर कार्स तो आई है, सुपर कार देख सकते हो अपनी एक सुपरा है एंड सुपरा के अलावा यहाँ पर कोई भी रेयर कार नहीं आई है भाई। मैं बता रहा हूँ ना वो क्या ग्लिच हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, मेरे कार मार्केट में 3 रेयरेस्ट कार ऑफ दिस गेम आ गई थी, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, कुछ तो ग्लिच था, वो मुझे बताना किस किस के साथ हुआ। आई थिंक भाई मैं लकीएस्ट, ये मेरी हम शक्ल मैं आईना तो नहीं देख रहा कहीं, नहीं भाई। एक काम करते गाइस यहाँ पर एक पॉश है, मेरे पास पॉश है एक ऑलरेडी, इतना पैसा गाइस जेब में नहीं है, आप लोग देख सकते हो। सुपरा बाय कर लूँ क्या, मैं बाय कर लेता हूँ, एक सुपरा तो बाय कर सकता हूँ भाई, जेब में पैसा नहीं है आप लोग देख सकते हो, बट फिर भी एक सुपरा बाय कर लेते हैं, पता नहीं सुपरा से मुझे अलग ही प्यार है। एक काम करते हैं, ये 61,000 बोल रहा है, अपन गुजराती माइंड लगाते हैं एंड इसको 45,000 बोल देते हैं, आई थिंक ये बिक जाना चाहिए 45,000 में, थोड़ा सा गुजराती माइंड में थोड़ा सा यू नो वो हो चुका है। एक काम करते हैं
49 करते हैं, थोड़ा सा गुजराती माइंड अभी एक्चुअल में लगा रहा हूँ मैं, 40 मिल गया, लेट्स गो। तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर एक मिल चुकी है सुप्रा, तो सुप्रा को अपन टो करवाएंगे सीधा ऑफिस, एंड यहाँ पर एक पॉश भी बाय करने वाला हूँ, लेट्स गो ब्रो। पैसा बहुत है, आई होप 2 लाख में मिल जाए। ओके 2 लाख के अंदर ही मिल रही है, 147। मैं एक काम करता हूँ, इसको 120 बोल देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा पैसा दूंगा, बस मुझे कार दे दे, आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड, लेट्स फ्रीकिंग गो। मेरे जेब में 1,27,000 मेरा हो चुका है, काम करते टो करवाते हैं। भाई मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, मैं गरीब हो चुका हूँ गेम में, एक्चुअल में गरीब हो चुका हूँ। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं शोरूम पर, एंड ये कहाँ भागने की कोशिश मत कर, इधर आ, लेट्स गो भाई। कितनी कॉज हो चुकी है भाई, काउंट कर लेता हूँ ना, एक ये हो चुकी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन टोटल, एंड इसको भी अपन खड़ी कर देंगे तो और भी अच्छी लगेगा अपना शोरूम। रुको, इसको भी खड़ी कर देते हैं, एंड इसको आई थिंक जगह नहीं है तो बीच में ही खड़ी कर देंगे, यू नो आई एम सेइंग। भाई शोरूम इतना बड़ा है, एक भी कार अंदर नहीं है, सभी कार भाज है, एंड ओ भाई आज मेरा गला दुख गया है प्रॉपरली। तो वीडियो को लाइक कर देना, आई डोंट नो कितनी बड़ी वीडियो बनी है, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई नो बहुत सारा प्यार दे रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट से बता देना कि कौन सी कार्स मेरे पास अभी तक नहीं है सुपर कार और रेयर कार में, एंड चैलेंजेस भी जो भी है ड्रॉप कर देना, ऐसे चैलेंज दो भाई मैं जो कर पाऊँ। एक बंदा बोलता है भाई आप 100 डे चैलेंज करो, 50 डे चैलेंज करो, भाई मैं अलाइव भी रहूँगा 1500 दिन, पता नहीं रहूँगा, बट भाई गेम नहीं खेलता रहूँगा ना मैं इतना टाइम तक। तो हाँ गाइस एक काम करते हैं, आई नो तुम लोगों ने इन गेम डेज की बात करी है भाई, बट मैं इतना थोड़ी ना खेल पाऊंगा, इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास, बट हाँ गाइस एक बंदा बोलता है भाई 20-25 GTR ले लो, अरे भाई 25 GTR कहाँ से लूँ भाई। वैसे देखा जाए तो आज मुझे एक भी GTR नहीं मिली, जो कि बहुत सैड है, बट हाँ मुझे सबसे रेयरेस्ट कार मिल गई, सबसे तो नहीं बट हाँ जितनी भी रेयर कार मुझे चाहिए थी वो मिल गई, हाँ सब कार मिल गई, इन टोटल सब कार मिल गई। वीडियो को एंड करते हैं इस अच्छे नोट पे, बहुत सारा कलेक्शन अपना बढ़ चुका है, भाई मेरा गला दुख चुका है, मुझे बोलने भी नहीं हो रहा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।